12 फरवरी 1987 लुधियाना। आतंकवाद के साए से उठ रहे पंजाब में किसी आम दिन की तरह लुधियाना के पंजाब नेशनल बैंक में कामकाज चल रहा था। अचानक से पुलिस की एक जांच टीम वहां आती है और हथियारों से लैस ये पुलिस वाले बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से उनकी बंदूकों को जांचने के लिए मांगते हैं। गार्ड्स अपने हथियार उन्हें चेक करने के लिए दे देते हैं। इनमें से कुछ पुलिस वाले बैंक के अंदर जाकर वहां चेकिंग कर रहे होते हैं। बैंक में मौजूद लोग इस चेकिंग को देख ही रहे होते हैं कि अचानक से वो पुलिस वाले बैंक के कैशियर और मैनेजर पर बंदूक तान देते हैं और तिजोरी और लॉकर की चाबियां लेकर सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। बिना किसी को चोट पहुंचाए ये नकली पुलिस 34 करोड़ की रकम लेकर फरार हो जाती है। जब असली पुलिस वहां जांच के लिए पहुंचती है तो वो मान लेती है कि ये एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन था। लोगों से पूछताछ में पता चलता है कि वो नकली पुलिस वाले खालिस्तान के नारे लगा रहे थे और पैसों से हथियार खरीदने की बात कर रहे थे, जिससे साफ हो जाता है कि वो खालिस्तान से जुड़े आतंकी थे। अब इस ओर पुलिस और जांच करती है तो पता चलता है कि उस वक्त देश की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देने वाले ग्रुप का नाम था खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी KCF, और इसे प्लान किया था उसके सरगना लाभ सिंह ने। लाभ सिंह का असली नाम सुखदेव सिंह था। पंजाब के अमृतसर के पंजवार गांव में साल 1952 को पैदा हुए सुखदेव सिंह ने बाबा बुड्ढा साहिब कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। KCF के सरगना बनने वाले लाभ सिंह ने 1971 में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में बढ़ते आतंकवाद के वक्त पुलिस वाले के तौर पर काम कर रहे सुखदेव सिंह की मुलाकात 1973 में जर्नैल सिंह भिंडरावाले से हुई। वही भिंडरावाले जो पंजाब समेत देश में आतंक का चेहरा बन गया था। भिंडरावाले से मिलने के बाद सुखदेव सिंह ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और आतंक का रास्ता अपना लिया था। सुखदेव सिंह उर्फ लाभ सिंह दमदमी टकसाल से जुड़कर भिंडरावाले के लिए काम करने लगा। मई 1984 में उसका नाम तब सुर्खियों में आया जब उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंद समाचार के संपादक रमेश चंद्र की हत्या कर दी थी। रमेश चंद्र भिंडरावाले के काम की खुलकर आलोचना करते थे और इसी बात से नाराज लाभ सिंह ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अगले ही महीने गोल्डन टेंपल में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के खात्मे के बाद लाभ सिंह को वहां से गिरफ्तार किया गया और उसे रमेश चंद्र की हत्या के आरोप में जेल भेजा गया। 6 अप्रैल 1986 जालंधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रमेश चंद्र की हत्या का मुकदमा चल रहा था। लाभ सिंह और कुछ और आरोपियों को पुलिस यहां पेशी के लिए लेकर आई थी। अचानक से आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों को गोलियां लगी और इस बीच 3 आरोपी फरार हो गए, जिसमें से एक लाभ सिंह भी था। खालिस्तान कमांडो फोर्स, जिसके आतंकियों ने कोर्ट में गोली चलाकर लाभ सिंह को छुड़ाया था, अब लाभ सिंह उसी KCF से जुड़ गया। 9 अगस्त को वो KCF का सरगना बना और उसने अपना नाम लाभ सिंह कर लिया। लुधियाना की बैंक डकैती से पहले लाभ सिंह का नाम एक बार फिर सामने आया था। इस बार उसने सीधे पंजाब पुलिस के DGP जूलियो फ्रांसिस रिबेरो को ही निशाना बनाने की साधी। पंजाब में आतंक के खात्मे के लिए बुलेट फॉर बुलेट की नीति चला रहे रिबेरो को मारने के लिए KCF के 6 आतंकियों ने 3 अक्टूबर 1986 को पुलिस की ड्रेस में उनके हेडक्वार्टर में हमला कर दिया।
15 मिनट तक चले इस हमले में रिवेरो तो बच गए, लेकिन उनकी पत्नी घायल हो गई और एक गार्ड शहीद हो गया। सभी 6 आतंकी इस हमले को करके भागने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद बारी आती है लुधियाना की बैंक डकैती की। इस डकैती के बाद लाभ सिंह पंजाब पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। लेकिन आतंक के रास्ते पर बढ़ते जा रहे लाभ सिंह के पाप का घड़ा भी भरता जा रहा था। 12 जुलाई 1988 को पंजाब के होशियारपुर में टांडा नाम की जगह में पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। कई पुलिस वालों की हत्या में शामिल रमेश चंद्र का हत्यारा, बैंक लूटने का आरोपी और पंजाब की डीजीपी की हत्या की कोशिश करने वाला लाभ सिंह जब मरता है तो पंजाब में जारी आतंक की कमर तोड़ने में भी पुलिस कामयाब होती है। लाभ सिंह की मौत के बाद केसीएफ में भी टूट हुई और वो ग्रुप भी कई हिस्सों में बट गया। लाभ सिंह के परिवार ने भी देश छोड़ दिया और इसी के साथ खत्म हो गया पंजाब के आतंक का एक और चैप्टर।